डियर स्टूडेंट, मैं हूँ सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आई सी सब्सक्राइब पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 9.3 का पार्ट टू। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्न नंबर 9.3 का पार्ट वन, जिसमें हम लोगों ने करीब क्वेश्चन में एक से लेकर क्वेश्चन फाइव तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर किए हैं। तो अगर आपने प्रश्न नंबर 9.3 के पार्ट वन का वीडियो नहीं देखा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हमारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट टू को, जिसमें हम लोग क्वेश्चन फाइव के आए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन सिक्स पर और देखते हैं क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है, उसको अच्छे से पढ़ते हैं और आपको समझा के बताते हैं कि क्वेश्चन सिक्स को आप कैसे लगाओगे। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, पहले वृत्त का समीकरण निकालना है। समीकरण माने क्या? सिंपल समीकरण, जिसको बोलते हैं क्या, व्यापक हल या विशिष्ट हल। पहले हल निकालते हैं, हल माने क्या, पहले फलन निकाल लेते हैं और फलन निकालने के बाद उसमें देखते हैं कितने स्वच्छ अचर है, जितने स्वच्छ अचर होंगे क्या करेंगे उसका उतनी बार अवकलन कर डालेंगे। अवकलन करने के बाद क्या करेंगे, जो स्वच्छ अचर है उसको गायब कर देंगे। गायब इसलिए करेंगे क्योंकि कह रहा है कुल का अवकल समीकरण, कुल का मतलब उसका मतलब वही हो गया। तो पहले देखते हैं, इसको समझते हैं। वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर, मतलब जो वृत्त है वो वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, वो भी कहां पर, मूल बिंदु पर। तो चलते हैं चतुर्थांश में और अच्छे से समझते हैं। देखो ये है चतुर्थांश और वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है मूल बिंदु पर, तो वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ऐसे बना भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। तो चलो y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, देखो y अक्ष को ये जो वृत्त हमने बनाया, ये वृत्त क्या कर रहा है, y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, वो भी कहां पर, मूल बिंदु पर। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण निकालो। ये चतुर्थांश है, ये है y अक्ष और देख लो y अक्ष वृत्त को स्पर्श कर रहा है, क्योंकि अगर ये वृत्त है तो ये स्पर्श जो इस वृत्त को छू कर जाए उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, जो वृत्त को छेदते हुए जाए उसको बोलते हैं छेदक रेखा। तो ये जो वाई अक्ष है ये वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है यहां पर, तो ये जो वाई अक्ष है वो स्पर्श रेखा है, यानी ये जो वृत्त है वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, अभी कहां पर, मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से वृत्त का समीकरण निकाल लें। वृत्त का समीकरण कैसे निकालोगे, तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का सेंटर यहां पे कहीं पे होगा और वृत्त का समीकरण निकालना होता है बहुत ही आसान। वृत्त का समीकरण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, जहां h और k क्या होता है, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होता है और ये क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। और मैंने इसका जिक्र जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था समाकलन का अनुप्रयोग, तो वहां पर मैं इसकी जिक्र बार बार कर रहा था कि एक वृत्त का समीकरण ये होता है, मेन समीकरण होता है, बाकी जितने भी समीकरण होते हैं सारे समीकरण यहीं से प्राप्त किए गए होते हैं। इसका मतलब अगर हमको वृत्त का केंद्र मालूम हो जाए और वृत्त की त्रिज्या मालूम हो जाए तो बहुत आसानी से हम वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। तो ये एक वृत्त है, मान लेते हैं वृत्त का केंद्र कुछ भी है, अब एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो यहां पर पहले एक्स फिर वाई, तो एक्स मान लो ये डिस्टेंस क्या है, ए है बी है कुछ भी मान सकते हो, तो ये हो जाएगा, बाकी वाई की वैल्यू क्या होती है, इस पे जीरो होती है, ये आ गया वृत्त का केंद्र। अब अगर ये दूरी ये माने हो तो यही क्या है, वृत्त की त्रिज्या भी है, तो ये त्रिज्या ए होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ये, और ये भी हो जाएगा क्या, ए। ठीक है, अब देखो यहां जो वृत्त है, इस वृत्त का सेंटर भी मालूम है, वृत्त की त्रिज्या भी मालूम है। सेंटर क्या है, ए कामा जीरो, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या ए है, तो जब वृत्त का केंद्र मालूम हो, वृत्त की त्रिज्या मालूम हो, तो बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं वृत्त का समीकरण। तो कह सकते हो वृत्त का समीकरण कैसे निकालोगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस h, h माने क्या, ये पहला वाला माने क्या a, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस सेकेंड वाला माने क्या जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये माने क्या, ये है, तो कह सकते हो ए का स्क्वायर। इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माने इसका स्क्वायर,
माइनस टू ये भी बने, दो गुड़े इतना गुड़े इतना, तो ए एक्स हो जाएगा। इसमें ये घटाओगे वाई आएगा, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा टू ये एक्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो बिल्कुल आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखो तो ये जो हमने फाइंड किया ये हो गया वृत्त का समीकरण, समीकरण मतलब वृत्त का हल हो, मतलब जो अवकल समीकरण है उसका हल हो गया ये हल। अब इसमें देखो कितने स्वेच्छ अचर हैं, तो इसमें है एक स्वेच्छ अचर, वो क्या नाम है उसका, एक, यानी इसमें जो स्वेच्छ अक्षरों की संख्या है वो है एक। तो क्या करना है, इसका एक बार कर देना है अवकलन, एक बार अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, कुल का अवकल समीकरण मिल जाएगा। तो चलते हैं फटाफट एक बार कर लेते हैं अवकलन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप यक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू यक्स और ये हो जाएगा टू वाई, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी यक्स, टू ये कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसी यक्स का अवकलन करोगे तो एक आ जाएगा। देखो दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, सबको दो काट दो तो काटोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो इसका अवकलन हम एक बार से अधिक बार नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका जो ये व्यापक हल है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही स्वेच्छ अचर है, इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है अवकलन। तो मैंने कर दिया सिर्फ एक बार अवकलन और एक बार अवकलन करने के बाद जो स्वेच्छ अचर है वो गायब नहीं हो रहा है, तो स्वेच्छ अचर को हमको कुछ ना कुछ गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब होगा, तो बहुत ही सिंपल है, अगर स्वेच्छ अचर को यहाँ से गायब करना है तो एक काम करो ना, आप इस ए को पकड़ना है, इसी ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी है, ये जो ए है, या तो आप चाहो तो ए की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख दो, यहां से ए की वैल्यू निकाल के यहां पे रख दो, क्योंकि एक ही बार अवकलन किए हो, अगर दो बार करते तो ए की वैल्यू यहां से निकालते, लेकिन एक ही बार किए हो तो एक ही, देखो जब जितनी बार अवकलन करते हो अगर वहां से स्वेच्छर गायब नहीं होता है तो स्वेच्छर गायब करने के लिए उसके पहले वाले से सहारा लेते हैं, जैसे तीन बार अगर अवकलन कर रहे हो तो उस स्वेच्छ अचरों को हटाने के लिए दूसरा वाला जो अवकलन किया हो वहां सहारा ले सकते हो, पांच बार अवकलन किया हो फिर भी स्वेच्छ अचर गायब नहीं हो रहा है तो स्वेच्छ अचरों को गायब करने के लिए उसके पहले यानी चौथा वाला जो अवकलन है वहां से हम सहारा ले सकते हैं। तो यहां पर अवकलन सिर्फ और सिर्फ किया गया एक बार, तो स्वेच्छ अचर को हटाने के लिए जहां पर अवकलन नहीं किया हो वहां से सहारा ले सकते हो, तो यहां से आप एक ही वैल्यू उठा करके यहां पर रख सकते हो, तो एक ही वैल्यू यहां से क्या हो सकता है, तो कह सकते हो चूंकि एक ही वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, तो कह सकते हो चूंकि ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा ये हो जाएगा टू ए। ठीक है, तो इसके बाद यहां पे आप कह सकते हो ये है एक्स, तो यहां पर एक्स प्लस ये है वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर ए की वैल्यू ये पूरा है, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा टू ये। ठीक है, अब क्या करना है, ये टू ये को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा टू ये एक्स, ये इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा टू ये वाई और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। अरे टू ये आ गया क्या फिर यहां पे, सॉरी 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 सॉरी, ए की वैल्यू यहां पे निकालोगे ए बराबर ए बराबर टू एक्स होगा, यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पर जब 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये यहाँ पे आएगा तो 2xy और ये हो गया dy अपान dx और ये क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सबको लेके आ जाओ इधर, सबको इधर लेके आओगे 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये इधर आएगा तो माइनस y स्क्वायर और ये क्या है 2xy और dy अपान dx इज इक्वल टू 0। और देखो इसमें क्या कोई भी स्वेच्छ अचर है, तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए
क्वेश्चन सेवन कह रहा है कि ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो। कुल का अवकल समीकरण निर्मित किसी, यानी कुल का मतलब वही काम करना है जो हम क्वेश्चन नंबर एक से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हैं। अवकल समीकरण निकालना है, किसका निकालना है? परवलयों का निकालना है जिनके शीर्ष मूल बिंदु पर है, यानी कि ऐसा परवलय है जिसका जो शीर्ष है वो मूल बिंदु पर है। और हम लोग जानते हैं परवलय 4 टाइप का होता है। एक परवलय होता है ऐसे, देखो इसका भी शीर्ष मूल बिंदु पे है, एक परवलय ऐसे होता है इसका भी शीर्ष मूल बिंदु पे है, एक परवलय ऐसा है इसका भी शीर्ष मूल बिंदु पे, एक परवलय ऐसा होता है इसका भी शीर्ष क्या होता है? मूल बिंदु पे होता है। तो जो परवलय होता है उस परवलय का एक दो तीन नहीं बल्कि पूरा 4 केस होता है, ठीक है? तो यहां पे कह रहा है जिसका अक्ष धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में हो, यानी जिसका अक्ष धनात्मक वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में हो, तो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा ये होती है, मतलब परवलय ऐसा होना चाहिए। तो आ जाओ पहले बना लेते हैं ग्राफ। देखो ये एक क्या है? चतुर्थांश है। इसमें एक ऐसा परवलय बनाना है, परवलय परवलय का जो शीर्ष वो मूल बिंदु से होते हुए जाए। तो देखो जो परवलय है वो शीर्ष मूल बिंदु से होते हुए जा रहा है और जो परवलय का अक्ष है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, मतलब ये धनात्मक दिशा है एक्स अक्ष की। इतनी बात सोच पा रहे हो? नहीं, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो। देखो इसका शीर्ष मूल बिंदु है और कह रहा है कि जो परवलय का अक्ष है, तो ये परवलय का अक्ष है और ये खुद कह रहा है कि जो परवलय का अक्ष है वो यक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा होनी चाहिए। तो यक्ष अक्ष की ऋणात्मक दिशा है और ये धनात्मक दिशा है, तो यहां पर बात हो रही है यक्ष अक्ष के धनात्मक दिशा की। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? परवलय का समीकरण निकालेंगे। समीकरण मतलब क्या? उसका हल निकालेंगे, चाहे वो व्यापक हल हो चाहे वो विशिष्ट हल हो। तो मेन चीज यहाँ पे परवलय का समीकरण है। परवलय का समीकरण कैसे निकालोगे? तो जब इस टाइप का परवलय होता है तो इस परवलय का समीकरण क्या होता है हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, वाई बराबर क्या होता है? 4ax होता है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है? तो ये परवलय का समीकरण हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर परवलय का समीकरण इतना है तो इसमें देखो एक स्वेच्छ अचर है यहाँ पे, जो ये है वो क्या है? स्वेच्छ अचर है। तो एक स्वेच्छ अचर इसलिए क्या करना पड़ेगा? एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक बार करेंगे अवकलन, और एक बार अवकलन करने के बाद ये जो स्वेच्छ अचर है उसी को हटा देना है। हटाने के बाद जो भी मिलेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो और चलते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जब आप लिखोगे यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा dy अपान dx 4a। यक्ष का अवकलन करोगे तो आएगा 1 और ये हो जाएगा 4a, ठीक। इसके बाद देखो 2y dy अपान dx 4a। अब देखो यहां से हमको a को हटाना है, यहां से दो इसको इससे काट सकते हो, तो काटोगे तो ये हो जाएगा वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो गया 2a। करना क्या है? एक बार अवकलन एक ही बार करना है। मैंने एक बार अवकलन किया फिर भी ये गायब नहीं हुआ, हमको ये गायब करना है। तो ये की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? एक ए को कहाँ से गायब करोगे? तो मैंने आपको बताया था कि अगर 3 बार अवकलन कर रहे हो फिर भी स्वेच्छ अचर गायब नहीं हो रहा है, तो स्वेच्छ अचर गायब करने के लिए उसके जस्ट पहले, यानी जहाँ पर द्वितीय कोटि के अवकलन किए थे वहाँ से सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही बार अवकलन किया हो फिर भी स्वेच्छ अचर गायब नहीं हुआ है, तो उसके पहले जहाँ पर एक भी बार अवकलन नहीं किया हो वहाँ से सहारा लो। तो एक भी बार अवकलन यहाँ पे नहीं किया हो यहाँ सहारा लो, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालो और यहाँ पे पटक दो। तो यहाँ पे कह सकते हो चूंकि चूंकि देखो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो ये की वैल्यू जब आ गई तो चूंकि के बाद जस्ट आता है इसीलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा इसीलिए और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा dy वाई अपान डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 2 और a की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर अपान 4x। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान 4x। एक y से एक y कट गया, एक दो से एक दो कट गया, तो ये हो गया dy वाई अपान डी एक्स और ये हो जाएगा y बटा क्या? 2x। इधर ले आओ तो y क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर जाएगा तो हो जाएगा 2x
डी वाई अपान डी एक्स, बचेगा वाई को उधर ले गया वो माइनस वाई बराबर जीरो। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसका आंसर। ये अवकल समीकरण है, इसमें कोई भी स्वेच्छर नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, 9 की, 10 की और 11 की। तो आइए इस वीडियो में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि कैसे आप लाओगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो पहले इसको मिटाते हैं और फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण निकालो। यहां पे क्या करना है, दीर्घवृत्त का अवकल समीकरण निकालना नहीं है, उसके कुल का अवकल समीकरण निकालना है। इसका मतलब क्या करना है, स्वेच्छ अचरों को गायब करना है। जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतनी बार उसका करना रहेगा अवकल। तो देख लेते हैं, बात आती है दीर्घवृत्त की, तो दीर्घवृत्त का अवकल समीकरण निकालना है। दीर्घवृत्त में हम लोग जानते हैं दो स्वेच्छ अचर होते हैं, ए और बी होता है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दीर्घवृत्त के बारे में अच्छे से पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता, चूंकि आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो कि दीर्घवृत्त क्या होता है, अच्छे से आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो मैं फटाफट आपको हिंट दे देता हूं। देखो दीर्घवृत्त दो प्रकार का होता है, एक दीर्घवृत्त इस टाइप का होता है, यक्ष अक्ष पे होता है, और एक दीर्घवृत्त ऐसे होता है वाई अक्ष पे होता है। इन दोनों हालत में दीर्घवृत्त का एक ही फार्मूला होता है, दीर्घवृत्त का एक ही समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इजिकल टू वन। ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, जहां पर एक्स अक्ष पर ये, एक्स अक्ष माने क्या, ये पूरा ये होता है ये, और ये भी होता है ये। वाई अक्ष पर बी माने ये वाला बी होता है, ये वाला भी क्या होता है, बी होता है। अब ऐसे एक्स अक्ष पे ये माने ये और ये है, वाई अक्ष पे भी माने ये और ये बी है, यही मतलब है। बाकी जो दीर्घवृत्त की बात आएगी तो हम इसी समीकरण का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में जो 8 है वो साफ साफ कह रहा है जिनकी नाभिया वाई अक्ष पर है। देखो मैंने आपको दो टाइप पढ़ाया, एक टाइप ये वाला, ये वाला। तो जब ऐसे होगा एक्स अक्ष पे बड़ा होगा, इसका मतलब नाभिया एक्स अक्ष पे है, लेकिन जब ऐसे होगा तो इसका मतलब नाभिया वाई अक्ष पे, जिधर बड़ा होगा। अब नाभिया क्या होती है, यह सब पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, और ये सब यहां पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है नाभिया वाई अक्ष पे है, यानी वाई अक्ष पे ऐसे बड़ा वाला होगा। तो बना लेते हैं पहले फिगर, देखो नाभिया वाई अक्ष पे हो, यानी कि आपको ऐसे बड़ा सा इधर बनाना है, ये हो गया दीर्घवृत्त, ठीक है। नाभिया माने इसके बीच में, यहां पे दो पॉइंट होते हैं, इसी को नाभि बोलते हैं। बाकी एक्स अक्ष पे ये ए होता है, वाई अक्ष पे क्या होता है, ये बी भी होता है, ठीक है। नाभिया वाई अक्ष पे है, तो क्या कह रहा है कि जिनका केंद्र मूल बिंदु हो। अब ये देखो ये दीर्घवृत्त, इसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा। दीर्घवृत्त का केंद्र हमेशा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। यहां पे भी देख लो, यहां भी जो दीर्घवृत्त का केंद्र है वो क्या है, मूल बिंदु है, और यहां भी जो दीर्घवृत्त का केंद्र है वो क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है इसको बोलते हैं हल, चाहे वो विशिष्ट हल हो चाहे वो व्यापक हल हो, सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि दीर्घवृत्त का समीकरण, तो दीर्घ वृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो हम बहुत सिंपली जानते हैं कि दीर्घ वृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये हो जाएगा दीर्घ वृत्त का समीकरण, ठीक है। अब यहां पे देखो दो स्वेच्छ अचर है ए और बी, करना क्या है, दो बार करना है अवकलन, और दोनों बार अवकलन करने के बाद जो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर गायब कर देना, उसके बाद जो भी आएगा वो जाएगा आंसर। तो चलो पहले एक बार कर लेते हैं अवकलन। तो यहां पे आप कह सकते हो कि यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप करोगे यक्ष के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा, 1 अपान ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर करोगे अवकलन तो आएगा 2y, इसको ढकोगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। जीरो ए का करोगे तो एक का आएगा 0, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, सही से लिखोगे ये हो जाएगा 2x अपान ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y अपान बी स्क्वायर।
और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर जीरो। इसको और सही से लिखते हैं, देखो तो दो दो बाहर निकाल के उधर भेज दो, ये दो दो गायब हो जाएगा, बाकी इस पूरे को यहां पे उतारो, वाई बटा वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, ये पूरा उधर जाएगा, माइनस एक्स बटा ये स्क्वायर, इतना हो गया। इसके बाद क्या करो ना कि बी स्क्वायर को भेज दो उधर, जब बी स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये उधर भेजोगे तो माइनस एक्स तो रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ये स्क्वायर। ठीक है, एक बार हम लोगों ने कर दिया अवकलन, एक बार अवकलन होने के बाद जो स्वयं अक्षर थे वो तो गायब हुए नहीं, एक बार पुनः अवकलन कर दो और उसका जो स्वयं अक्षर है वहां से उसका स्वयं अक्षर गायब करने के लिए इसी का सारा ले लेंगे। तो आ जाओ, कह सकते हो एक बार एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो यक्ष के सापेक्ष पुनः करेंगे अवकलन, और जब पुनः करेंगे अवकलन तो पहले को पकड़ेंगे, पहला माने क्या वाई को पकड़ेंगे, दूसरे वाले का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और प्लस दूसरे वाले को पकड़ेंगे यानी क्या पकड़ेंगे डी वाई अपान डी एक्स को, और पहले वाले का अवकलन यानी वाई का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपान हो जाएगा डी एक्स बराबर। देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एक्स का अवकलन करेंगे खाली एक आ जाएगा, और ये पूरा आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। देखो यहाँ का जो स्वच्छ अचर है वो गायब नहीं हुआ, तो इस स्वच्छ अचर को गायब करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो दो बार अवकलन करना था हम लोगों ने दो बार अवकलन कर भी दिया फिर भी स्वयं अक्षर गायब नहीं हुआ, तो ये दो बार अवकलन है, जो पहला बार अवकलन किया गया है वहां से हम सारा ले सकते हैं। तो पहला बार जो अवकलन किया गया है वो है ये, यहां से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू यहां से निकालोगे तो माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो कह सकते हो चूंकि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा वाई अपान एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, इस पूरे की वैल्यू ये आ गई, तो यहां पे क्या है चूंकि जस्ट बात आता है इसीलिए ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, प्लस इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इस पूरे की वैल्यू ये आ जाएगा, ये माने क्या वाई अपान एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, इतना हो गया ना। इस यक्स को इधर इधर भेज दो तो भेजोगे ये यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स यहाँ पे आएगा एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, और ये इधर होगा वाई डी वाई अपान डी एक्स। देखो स्वयं अक्षर पूरी तरीके से गायब हो गए, आप चाहो तो इसको इधर भी ला सकते हो। ठीक है, स्वयं अक्षर पूरी तरीके से गायब हो गए, बाकी ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर। ठीक, बाकी क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 अगर आपको चाहे अति प्रबल हो चाहे व्यर्थ हो, अगर आप उसका समीकरण बनाने जा रहे हो तो समीकरण बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है जितने भी कॉन्स्टेंट हैं आपको उन्हीं कॉन्स्टेंट को गायब करना है, कॉन्स्टेंट माने क्या जो स्वयं अचर हैं उन्हीं को गायब करना है। स्वयं अचर को गायब करने के लिए देखो उसमें कितने स्वयं अचर हैं, आपको क्या करना है उसको उतनी बार उसका अवकलन कर देना है। भाई क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 इनको लेकर के हम मिलते हैं एक नए वीडियो में यानी पार्ट 3 में। तो बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, फिर मिलते हैं प्रश्नावली 9.3 के पार्ट 4 के साथ, पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।